कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने बताया कि भेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मध्य प्रदेश खेल विभाग के अंतर्गत संचालित करने की कवायद के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। भेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 125 एकड़ में बना है। भेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गोल्फ, एथलेटिक्स, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन का भी ग्राउंड उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान भोपाल कलेक्टर एवं खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हम केंद्र सरकार से बात कर, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से बात करके भेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाए, उसका प्रपोजल हम भेज रहे हैं। आज हमने सभी अधिकारियों के साथ, हमारी ACS कलेक्टर महोदय, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स और BHL के ED साहब के साथ हमने एक संयुक्त दौरा किया है। ये भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी सौगात होगी। लगभग 125 एकड़ ज़मीन पर ये खेल परिसर बना हुआ है और अभी क्योंकि मेंटेन नहीं है, इसमें गोल्फ का करीब 33 एकड़ का स्थान है, क्रिकेट का फुल फ्लेजेड स्टेडियम है, बाकी सभी फैसिलिटी हैं, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। 125 एकड़ काफ़ी जगह में है, शहर के बीच में ये एक बड़ा परिसर है। हम जो प्राथमिक रूप से इस पे लोकल मैनेजमेंट ने भी सहमति दी है, हम जल्द से जल्द इसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत लाकर भोपाल में एक नया परिसर बन सके, शहर के बीच में एक अच्छा खेल परिसर बने, इसके लिए आगे हम इसका प्रयास करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम की भी जो बात भोपाल में हो रही थी वो भी फुलफिल होगा, क्योंकि अभी स्टेडियम में एरिया तो है, स्टैंड वगैरह उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो बनाने होंगे उस पर पूरा काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को अपनी कुर्सी बचानी तो औपचारिकता तो करेंगे, पर विजयपुर हो या बुधनी हो, क्षेत्र वहाँ की जनता ने पूरा मन बनाया है, कमल खिलेगा भाजपा जीतेगी, पर औपचारिकता तो करनी पड़ेगी ना।